ये हमारे पास आए थे 21 मतलब 2021 में, मेरे ख्याल 27 जून था, और जब ये आए थे पहली बार, ये देखो कैसे लग रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ इधर, है ना, एकदम अलग से फेस इनका, बनावट वनावट देखो कितना चेंज है। और जुलाई में हमने एकादशी था, जब हमने इनको स्नान वगैरह कराया था, पंचामृत सर सब, तब ये ऐसे लगता था, देखिए इस तरीके से, है ना, कितना डिफरेंट है। तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ कि कंठी धारण करने का मैंने जब डिसाइड किया, तो देखिए क्या होता है, जब आप ग्लैमर इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो चीज़ों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, पता है क्यों? क्योंकि आप बहुत लेविश लाइफस्टाइल जी चुके होते हैं, गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, शो ऑफ की दुनिया होती है, दिखावा, यू नो, मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, मेरे पास ये देखो 1 लाख का पर्स है, 2 लाख के चप्पल हैं, मैं तो 50,000 के नीचे के कपड़े नहीं पहनती, 10-10-20,000 के जीन्स हैं, यू नो, ये सब चलता है, ये सब आप लोग देखते भी होंगे, कितने सारे हीरो हीरोइन को कि लाखों लाख रुपए के पर्स लेके घूमते हैं। तो हम तो नॉर्मल इंडस्ट्री में से काम करते हैं, तो हमारे तो ये संभव नहीं था, लेकिन फिर भी होता है, क्योंकि आप जितना कमाते हो ना, उसका 50% तो आपका दिखावे में चला जाता है, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि हम जिसको दिखा रहे हैं वो हमारे कोई ईश्वर थोड़े ना, हमारे भगवान थोड़े ना, जो हम उसे दिखा रहे हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ही अपना आधा जीवन उसी में खराब कर देते हैं, क्योंकि हमें उस समय तक हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं आई होती है कि वो कुछ भी नहीं है, जो है वो तो ये है, हमें जिससे दिखाना है वो तो इन्हें दिखाना है, उन्हें हम कपड़ा दिखा के क्या कर लेंगे, कपड़ा तो आज जो हमने पहना है कल तो खराब भी हो जाने वाला है, ये शरीर तक हमारे साथ ऊपर जाने वाली नहीं है, तो ब्रांडेड कपड़े वगैरह क्या दिखेंगे। तो एक होता है कि आप हर महीने काम कर रहे हो, अच्छा अमाउंट अर्न कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, फिर ऑन ऑफ द सडन आप डिसाइड करते हो कि आपको ये सब चीज़ें छोड़नी है, तो वहाँ से और यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्यों, किसी भी बच्चों के लिए, लड़की या लड़के के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आजकल जो लड़कियां या लड़के यंगस्टर हैं, जो काम भी नहीं करते ना, वो इतने शो ऑफ में घूमते हैं, सिर्फ अपने मम्मी पापा के पैसों से या खुद भी अर्न कर लेते हैं, तो ऐसे ईगो में इस तरीके से घूमते हैं, उनके लिए स्टार्डम इतना ज़्यादा मैटर करता है कि उनको लगता है बस हमारा जो भी है, जीना वीना मरना करना, ये सब चीज़ें ही हैं, इसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाते, ये हम ये सब कुछ करके आ गए, तो हमें पता है ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती, हर इंसान का एक वक्त है, सिर्फ उसी वक्त तक आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, उसके बाद आपके जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। तो अब इनकी सेवा करते करते ना, आपके अंदर ना थोड़ा सा चेंजेस ये आता है ना, कि आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हो, है ना, आपका नेचर धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है, फिर आपको ना लोग पॉजिटिव लगने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं क्यों किसी को हर्ट करूं, जाने दो ये देखेंगे तो इनको बुरा लगेगा। मेरे अंदर क्या भाव आया मालूम है, कि मैं अगर उसके बारे में ऐसा सोचूंगी ना, तो लाला मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लाला सोचेंगे मेरी सखी इतनी बुरी है, इतनी गलत बातें सोचती है लोगों के लिए, मेरी सखी ऐसा कर रही है। अब कनेक्शन बन गया ना, जैसे आप कैसे सोचते हैं कि मैं ये करूँगी तो मेरे दोस्त को पता चलेगा, मेरी मम्मी को या मेरे भाई को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा, हम सोचते हैं, राइट। तो मेरे को भी लेके याद नहीं लगा कि नहीं यार, अगर मैं ऐसा करूँगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, मेरी सखी ये कर रही है, ऐसा सोचती है, ये सब व्यवहार है उसका, ऐसा बुरा कर रही है, तो हमको ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि आप भी जानते हैं कि ईश्वर सब देखता है। अगर आप मेरे बारे में गलत बोलेंगे तो आप भले मेरे सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन ईश्वर को पता है, तो हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि कोई देख नहीं रहा है, इन्हें ये देख रहे हैं और इन्हें सब कुछ पता है, है ना। अब वो स्टार्डम छोड़ के और एक नॉर्मल जिंदगी जीना, ये मैं समझ नहीं पा रही थी, कैमरे के सामने रहना, हर एक चीज़ इतनी अच्छे से चल रही थी, तो फिर मैंने डिसाइड की नहीं, कंठी धारण करने लगना चाहिए अब, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने लास्ट ईयर 30 जून 2022 को मैंने वृंदावन में कंठी धारण की, लास्ट ईयर मैं बर्थडे पे वहीं पे थी, 28 जून से लेके 1 जुलाई तक मैं वृंदावन में ही थी, और मैंने 30 जून 2022 को ही श्री राधा वल्लभ के श्री चरणों में ये वाली जो कंठी माला है वो रख के और मैंने प्रसाद के रूप में धारण किया था, और तब से लेके आज तक ये है ही। और उसके बाद अनुभूतियाँ इतनी सुंदर हो गई थी ना कि पूछिए मत। और ये धारण करने से पहले, कंठी धारण करने से पहले, बहुत ज़्यादा हम पहनना चाहते हैं,
देखिए इतना सरल नहीं है कंठी धारण करना, मेरे लिए भी सरल नहीं था, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वो जगह ही बहुत बेकार है, आप लोगों को पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे वो क्या है, ये तो कीचड़ में से बाहर निकल के और अपने आप को साफ़ करने वाली बात है। अगर आप दलदली कीचड़ में से बाहर निकलोगे तो अपने आप को साफ़ करोगे तो आपको टाइम लगेगा साफ़ करने में, क्योंकि हमारे अंदर इतनी गंदगियाँ होती हैं, उन सारे गंदगी को निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं कि मुझे कंठी पहननी है, मैंने लहसुन प्याज खाना सबसे पहले छोड़ दिया। तो ये फरवरी में स्टार्ट हुआ कि मुझे छोड़ देना है, तो ये आए जनवरी में, उसके बाद मैंने समझ लो फरवरी में मैंने छोड़ दिया था कि नहीं खाना। मैंने धीरे 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 घर में लाना वाना सब कुछ बंद कर दिया एकदम से बंद। फिर कैसा हुआ, बीच बीच में कभी कभी खा लेती थी, जैसे कि बर्गर खा लिया बाहर जाके, पिज़्ज़ा खा लिया बाहर जाके, मैं बर्गर के बिना रह नहीं सकती, उन लड़कियों में से हूँ। तो मैंने बोला कि अगर नहीं पहनूंगी ना तो मेरा ये अनियन गार्लिक नहीं छूटेगा, ये बीच बीच में मैं कभी ना कभी खा लिया करूँगी या कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया करूँगी। मैंने बोला नहीं, ये कभी कभी भी नहीं करना है मुझे। और वहीं मैंने डिसाइड, मेरा टाइम आ गया था, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरा टाइम आया, मैं गई वृंदावन, इनकी कृपा से इन्होंने मुझे वृंदावन बुलाया, मैं राधा वल्लभ जी के पास गई, वहाँ से मैंने वहीं पे मैंने कंठी धारण किया और वहीं से सारी चीज़ें और ज़्यादा चेंज होने लग गई मेरी लाइफ लाइफ में। मैं स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करने लग गई, क्योंकि आप ना एक अलग से, पता नहीं क्यों मुझे आइडिया, लेकिन आप जैसे कंठी धारण करते हैं ना आपके अंदर एक अलग से अनुभूति होने लगती है, बहुत कुछ चीज़ें आपको ना चेंज ओवर आपके जीवन में अचानक से लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को भगवान को दे दिया है, समर्पित कर दिया, जैसे भगवान को तुलसी देते हैं भोग के टाइम पे ताकि वो स्वीकार करे, बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते, वैसे ये है, हमने अपने आप को दे दिया और उन्होंने हमें स्वीकार किया, क्योंकि कंठी है ये तुलसी की है और उन्होंने हमें स्वीकार, और जब हम भगवान के अंडर आ जाते हैं, अगर हम भगवान के संरक्षण में आ गए तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन बोलते ना, हमारे जीवन में सारी चीज़ें आपको सुधरी हुई नज़र आती, एकदम ट्रैक पे आ जाती है। और आपको जब कह दिया है भगवान ने कि आप, मैं हूँ, अगर आप मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, उन्होंने भागवत गीता में ये बात कही है, तो हम क्यों सोचते हैं उनके पास जाने के लिए? क्या हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज नहीं छोड़ते, हमको भगवान से सब कुछ चाहिए और हम भगवान के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे भगवान के लिए नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो, नहीं तो आपको वापस से यहीं आना पड़ेगा। अरे आपके आजू बाजू में जो आपको कीड़े मकोड़े गधे घोड़े ये कॉकरोच वॉकरोच जो दिख रहे हैं ना, इन्हीं तरीके का जन्म आपको लेना पड़ेगा, फिर बाद में आपको मनुष्य शरण मिलेगी आपके कर्मों के अनुसार। और ये भी गारंटी नहीं कि अगले जन्म में आप मनुष्य इंसान बनोगे कि नहीं बनोगे, ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। हमें वो जन्म चाहिए नहीं, हम चाहते भैया कि इसी जन्म में हमें मुक्ति मिले और हम भगवान के श्रीधाम जाएं, हमें वापस नहीं आना है, ये हमारा था। और ये शायद हमारा टाइम आ गया है कि हम इस भक्ति के थ्रू ही हम उनके पास जा सकते हैं, हमें हजारों वर्षों तक पहले जैसे संतों की तरह तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भजन करो, सेवा करो, वहीं से आपको सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब कि नहीं, अभी अभी हो गया, अब इतना ज़्यादा प्राउड न फील होने लग गया कि मैंने धारण कर लिया, बस अब मेरे में वो पॉजिटिविटी आने लग गई। अब जैसे कोई चीज़ अगर नेगेटिविटी की तरफ जाती भी थी ना सोच, तो तुरंत वापस आ जाती, नहीं मुझे ये नहीं कर, वैसे ही जैसे ही पहना, सबसे पहले क्या छूटा, गलत जगहों पे जाना, जैसे कि मीटिंग में जा रहे हैं, क्लब है, क्लब तो नहीं है, लोग बैठे पार्टी, ऑफिस में पार्टी, को दारू पी रहे, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, हम पी नहीं रहे, हम बैठे भी क्यों हैं, मुझे वहाँ भी नहीं जाना। कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, नहीं जाओगे काम नहीं, नहीं दे, जो देने वाला है वो तो ये है, अगर इन्होंने लगेगा कि मुझे देने लायक है तो मुझे देंगे, मेरे लिए नहीं होगा तो मैं क्लब में जाके भी बैठ जाऊँ, फाइव स्टार होटल में भी जाके बैठ जाऊँ, अगर मेरे भाग्य का नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, ये विश्वास मैंने इनके ऊपर रखा। मतलब कि नहीं, मुझे ये विश्वास रख के, विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको आपके भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको अपने लाला पे, राधा रानी पे विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं कर सकते आप जीवन में, है ना। मैंने नहीं करना, गलत आचरण सबसे पहले, फिर बाद में गलत आचरण मैंने छोड़ा कि जो मुझे गलत चीज़ें सिखाते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, जिनसे या जिनके संगत में रह के मेरे दिमाग में गलत चीज़ें आती हैं, मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, मैंने उनके साथ रहना, उनसे बात करना, उस सारी चीज़ों को छोड़ दिया। फिर वो एप्लीकेशन हो, चीज़ें हो, देखना हो, सुनना हो, बैठना हो या जाना हो, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। मतलब कि नहीं, आपका ध्यान भटका, जैसे आप भक्ति में आते हो ना तो भक्ति में आना सरल नहीं होता है, बहुत डिफिकल्टीज होते हैं, क्योंकि आपके सामने ना भगवान अपनी माया को प्रकट करते हैं, वो भी माया देवी भी इन्हीं की हैं,
अपने सामने वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, और वहां जहां आपने आप हारे समझ लो वहां आप भक्ति में पीछे हट जाओगे। और जैसे मैंने कंठी माला धारण किया, भगवान की कृपा तो मेरे ऊपर इतनी ज्यादा रही कि कभी मुझे इतना ज्यादा माया का प्रदर्शन मेरे सामने उन्होंने नहीं किया है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि प्रियंका जी यहाँ आ जाइए हम आपको इतने पैसे दे देंगे, प्रियंका जी ये कर लीजिए हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ये पार्टी में जाना है ये, मैं लेकिन नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, जितना ये मुझे दे रहे हैं ईमानदारी से धर्म से मैं उतना कमाऊंगी उतने में रहूंगी, मुझे एक्स्ट्रा दिमाग चलाना ही नहीं। क्योंकि जहां इंसान अपना दिमाग चलाता है ना वहीं उसका समझ लो खत्म, उसका मामला माया देवी तो बैठी हुई है आपको जकड़ने के लिए। मैंने कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद कर लिया इनके साथ, ये और मैं बस बातें यहाँ खत्म, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। क्योंकि मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं फिर से उस जगह, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपने आप को वहां से निकालते हो, अपने आप को साफ करते हो, फिर वापस से आपको वहीं जाना है, नहीं। अच्छा काम अगर आपके पास आता है तो वही आपको देंगे, आप भरोसा रखिए, आप इनकी सेवा कर रहे हैं, आप इनकी भक्ति कर रहे हैं, आप इनके अंडर में हैं, जैसे बच्चे माँ बाप के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, ये तो हमारे ईश्वर हैं, इन्होंने तो हमें इस पृथ्वी पे लाया है, ये शरीर दिया है, सब कुछ तो इन्हीं से, तो आपको इतना विश्वास नहीं है कि उनके रहते आपके साथ गलत कैसे हो सकता है, इतना तो विश्वास रखो, है ना। मैंने ये विश्वास रखा कि मेरे लिए जो अच्छा काम होगा ये मुझे देंगे, क्यों, क्योंकि मैं इन्हें अपना दोस्त मानती हूँ। आप इन्हें अगर अपना बेटा मानेंगे या आप अपना भाई मानेंगे तो आपका भाई आपके साथ बुरा करेगा, आपका बेटा आपके साथ कोई बुरा कर सकता है नहीं, इस चीज का आपको विश्वास है ना, तो वैसे ही विश्वास मैंने इनके ऊपर रखा। नहीं काम आता था मैंने ना बोलते नहीं मुझे नहीं करना, नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं, चीजें इन्होंने अपने अंडर में रखी और बहुत अच्छी तरीके से संभाली। मैंने हर गलत जगह आना जाना चीजें उठना बैठना सब कुछ धीरे 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 बंद कर दिया। पहले बहुत ज्यादा पिक्चर देखने जाती थी, अब ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अच्छा होगा तो देखने जाएंगे, वरना इससे बेटर है घर में ही बैठ के देख लें, क्यों फालतू का पैसे वेस्ट करना होता है। जैसे हम दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचते थे, आचरण रखते थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी छूटने लगती है जब आप ये कंठी माला धारण कर लेते हैं, तो आपके ऊपर एक पता चल जाता है कि आपका एक रिलेशन बन गया है भगवान से, तो आप चाह के भी आपके आपके दिमाग में कभी कोई निगेटिविटी किसी को लेके आएगी नहीं जो पहले आती थी, और अगर फिर भी आ रही है तो इसका मतलब अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है भक्ति में। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये धारण करने के बाद भी अगर आप गलत ही सोच रहे हैं, गलत ही कर रहे हैं, गलत ही बोल रहे हैं किसी को लेके, तो आप एक बार जरूर सोचिएगा कि जब इन्हें पता चलेगा तो कैसा लगेगा। जब किसी के बारे में कुछ सोचो या बोलो तो एक बार ये दिमाग में ला लेना कि ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, तो वैसे ही आपके कदम पीछे हट जाएंगे। जब कंठी धारण कर लेते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है कि भाई ये तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, है ना। तो आपको अपने आप से पहले आपका आपका जो नाम है ना भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा जाता है, पहले भगवान का नाम आता है, कृष्ण जी का नाम, फिर आपका नाम आता है। तो आपको कोई भी चीज़ करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे नहीं मैं करूँगा तो उनका नाम खराब होगा। सेम मेरे साथ होने लगा, कितना बड़ा लेवल मैंने लिया है, मेरा नहीं अगर आप कर रहे हैं तो फिर हर एक चीज़ अच्छे से ही करेंगे। फिर चीज़ें और धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगी, आचरण तो सब बंद कर दिया, आना जाना सब बंद कर दिया, लोगों के साथ बैठना बंद कर दिया, कोई अगर मेरे बारे में बुरा भी बोलता था ना तो मैंने रिपीट कभी नहीं मारा कि मैंने जाके किसी को जवाब नहीं दिया कि तुमने मेरे को ये बोला तुमने मुझे वो बोला, मैं नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि ये मेरे साथ है मैं इनके साथ हूँ, ये इनकी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे जीवन में अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है या मेरे साथ बुरा होने वाला है ये जिम्मेदारी ये उसे रोकेंगे या ये उन्हें उसे कैसे संभालते, मैं अपने आप में कोई भी चीज़ नहीं करूँगी। इसलिए आप देखिएगा कोई भी वैष्णव को आप देखिएगा वो कभी भी किसी के बारे में ना बुरा बोलेगा ना बुरा सोचेगा ना बुरा करेगा कभी भी नहीं, क्योंकि उसको विश्वास है कि कृष्ण हमारे साथ है तो कृष्ण हमें सब कुछ देख लेंगे। तो ये परिवर्तन शुरू से लेके अभी तक में आया, पहले चिंता, हर चीज़ की चिंता, काम होते हुए भी चिंता, पैसे होते हुए भी चिंता, सब कुछ होते हुए भी चिंता, और अब कुछ न होने के बाद भी किसी चीज़ की भी चिंता नहीं। सिर्फ माला करना है, लाला की सेवा करना है, लाला को ये खिलाना है, लाला को वो खिलाऊंगी, लाला के लिए ये बनाऊंगी, ये परिवर्तन शुरू से लेके अभी तक में आया। पहले सब कुछ था तो भी चिंता, अब कुछ भी नहीं है तो सिर्फ भगवान का चिंतन, ये दो चीज में फर्क है। जहां आप समझ लेते हैं ये है तो हमारे पास सब कुछ है, तो वहां आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है। तो ये कंठी माला आपको विश्वास दिलाता है कि आप और ये दोनों साथ हैं, और ये आपके साथ हैं तो आपको बाहर इस दुनिया में किसी से कुछ मांगने की, कुछ ढूंढने की, कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे कहते हैं कि आप फ़ोन कर लो, क्या पता कुछ काम दे दे, अरे भाई दे देंगे ना ये इनसे बड़े हैं क्या वो, हाँ इनसे बड़े हैं, नहीं ना ये देंगे, वो क्यों देंगे, और वो कौन है, उनकी तो गारंटी भी नहीं कि कल वो जिंदा रहेंगे भी कि नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कल रहेंगे, ये हमेशा है।
आपको कुछ कहना है तो इन्हें कहो, कुछ मांगना है तो इनसे मांगो, आपके लिए बेहतर होगा तो देंगे, आपके लिए बेहतर नहीं होगा तो नहीं देंगे। उससे आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि माँ बाप अगर अपने बच्चों को कोई चीज़ नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको देना नहीं चाहते, वो उनको पता है कि वो चीज़ आपके लिए आज नहीं तो कल नुकसानदायक होगी, क्योंकि हमें उस वक्त उस चीज़ से प्रेम है तो हमें वो चाहिए तो हम उसके लिए जिद करते, तो हमें ये व्यवहार नहीं रखना। तो ये जो है ना, ये गठबंधन है आपके और कृष्ण और राधा रानी के बीच। तो अगर आपने ये पहन लिया है तो समझ लो कि आप इनसे बंध चुके हैं। मंगलसूत्र एक तरीके से कहा जाता है, जैसे पति के लिए होता है ना मंगलसूत्र, वैसे ये हमारा मंगलसूत्र है इनके लिए कि हम इनके हैं और ये हमारे हैं। और एक बार हमने ये धारण कर लिया है तो उसके बाद तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो ये है, जो देंगे वो ये देंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कि आज मैं बोलूंगी ना तो मुझे इस चीज़ का पूरा विश्वास है, ये देंगे, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि मैं इनके अंडर हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है इनके सेवा करने के लिए। जैसे मैंने हर ब्लॉक में कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास जो है वो ये है, ये देंगे तो कल खाना बनेगा, पैसे देंगे नहीं देंगे तो हम बैठे रहेंगे, कल को अगर ई एम आई का पैसा नहीं देंगे तो हम दोनों को निकाल दीजिएगा, जहाँ मैं रहूँगी वहाँ फिर ये रहेंगे, और मुझे पता है ये ऐसा करेंगे नहीं, तो एक विश्वास बन जाता है। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी रही है भक्ति की और कंठी माला धारण करने के बाद की। माला जाप का जो है क्या चेंजेस है उसकी तो बनेगा थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट का वेट कीजिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। जय श्री राधे।